सकते हैं। स्लेव पैटर्न बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये है फेल्ट फर पैटर्न, फेस पे सब पे लिखा है, तो हम ऐसे रखेंगे और पेन के बाद ऐसे फर को फैलाते हुए जाएंगे। बाद हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से और कट कर लिए हैं इसका वन पीस कट। अब हमें क्या करना होगा, हटाएंगे एक पीस लेंगे और उसके बाद इसको यहाँ पे हम रखेंगे, इसको यहाँ से सिलती हुई आएंगे, यहाँ तक लेंगे, फिर यहाँ से ऐसे सिलेंगे यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से ऐसे सिलते हुए यहाँ तक लाएंगे, खुला रहेगा। यहाँ पे हम इसको लगाएंगे, ये जो फुट पैड है इसे हम यहाँ पे ऐसे ऐड, ये देखिए इसकी सिलाई कर ली है ऐसे। अब इसको इस पे रख लेंगे ये यहाँ पे इतना, और फिर इसको यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक बंद कर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक ये वाला इतना खुला रहेगा। ताकि उसके बाद ये वन पीस लेना था जो बीच का है ना, यहाँ पे ऐसे इसको लेंगे, यहाँ पे आएंगे यहाँ तक, और फिर ये नीचे वाला जो है सिलने के बाद फिर ये इसे बंद करते हुए यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है, इसको सिलेंगे, सिलते हुए यहाँ तक बंद कर लेंगे। मैं ली हूँ फोर पीस लेने के बाद इन किए थे टू पीस, उसे एक एक पे करने के बाद बस इस पे ऐसे सिलाई कर ली है। ये है पेन से कट करेंगे इतना सेम पीछे भी ऐसे ही, और उसके बाद यहाँ से कट करेंगे कैंची से लंबा, कट करने के बाद इसे हम अंदर की तरफ ऐसे डालेंगे, डालने के बाद ऐसे सिल देंगे। रहा टेल वन पीस लेने के बाद इसे ऐसे फोल्ड करें, मैं ऐसे ही की हूँ, इसे यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे इसको अंदर कर लेंगे, अंदर करने के बाद यहाँ पे हम इसको कर ली और प्लस ये यहाँ से सब बंद कर लिए कॉटन फिल करने के लिए, तो हम पहले सही कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो ये वॉशर है इसे हम निकालेंगे, निकालने क्या दोनों तरफ से हम इसे कॉटन फिल कर सिलने के बाद ये बिल्कुल भी यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि हम यहाँ, ये देखिए सबका सिलाई कर लिया, ये हो गया बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है?